सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो गाइस? आप सभी का फ्री फायर आईडिया अनबैंड लेटेस्ट अपडेट देंगे, मतलब बहुत सारा फ्री फायर अकाउंट्स अभी भी रिकवर नहीं हुआ है, अभी भी बैन पड़ा है। अगर आपकी फ्री फायर अकाउंट अभी भी अनबैन नहीं हुआ है या आपकी फ्री फायर अकाउंट्स में अनबैन टाइमर देखने को नहीं मिल रहा है तो भाई ये वीडियो आप सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो गाइस वीडियो को पूरा देखना। ऑलराइट गाइस, आप सभी का इंतजार की घड़ी खत्म होने वाला है। गेम में देखो यहाँ पे गोल्ड रॉयल 7 दिन में हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे OB40 अपडेट गेम में देखने को मिलेगा 7 दिन के बाद। एंड गाइस आज से ठीक 2 महीना पहले OB39 अपडेट आया था। एंड भाई OB39 अपडेट से आज तक जितना भी फ्री फायर अकाउंट्स बैन हो चुका है, जितना भी फ्री फायर अकाउंट्स यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है, ये सब फ्री फायर अकाउंट OB40 अपडेट में 100% अनबैन हो जाएगा। भाई मैं 100% गारंटी देता हूँ, आप लीक के लीजिए, आप सभी का फ्री फायर अकाउंट्स OB40 अपडेट में यहाँ पे अनबैन हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पे सिर्फ वही आईडी 100% गारंटी के साथ अनबैन होगा जो भाई लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा एंड इसमें जो भी आईडी अनबैन प्रोसेस बताया गया है इसको फॉलो करेगा। तो भाई आप लीक के लीजिए, आपकी जो फ्री फायर अकाउंट सस्पेंड हो गया था, जो बैन हो गया था, ये 100% रिकवर हो जाएगा। तो भाई लोग आप सभी को इस वीडियो में एक पासवर्ड मिलेगा, सो वीडियो को केयरफुली वॉच करना एंड हम आगे बताएंगे ये पासवर्ड के जरिए कौन सा फाइल को अनलॉक करना है एंड आईडी अनबैन के लिए कौन सा फाइल को यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड भाई लोग आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये जो चैनल है भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपना प्यारा सा उंगली से गाइस लाइक बटन को यार प्रेस कर दीजिए। भाई देखो चैनल को सब्सक्राइब या फिर लाइक के लिए हमें पैसा नहीं मिलता है, मैं सच सच बताऊं तो यहाँ पे वीडियो में जितना व्यूज आता है उसी हिसाब से हमें व्यूज का पैसा मिलता है। तो भाई लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ये बिल्कुल फ्री है, अपना प्यारा सा उंगली से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड भाई लोग इस वीडियो में लाइक हम रखते हैं 1000 एंड हमें पता है रुस्तम अली YT फैमिली बहुत ही बड़ा है, ये 1000 लाइक यार चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा, सो यार लाइक करना ना भूलना। तो सभी भाई लोग यहाँ पे 1000 लाइक को कंप्लीट कर दीजिएगा। गाइस अगर हम YouTube में आईडी अनबैन फ्री फायर सर्च करते हैं तो भाई यहाँ पे 100-100 वीडियो यहाँ पे देखने को मिलता है, बट गाइस यहाँ पे एक भी वीडियो आपको यहाँ पे वर्किंग नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल फेक होता है क्योंकि गाइस आज की डेट में ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। बट गाइस आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टेप बाई स्टेप पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, हो सके तो गाइस 2x स्पीड में वीडियो को प्ले कीजिए, ठीक है। तो भाई लोग आपको सबसे पहले अपना जो फोन है फोन का क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है एंड इसमें सर्च करना है फ्री फायर आईडी चेक। तो इसमें जो टॉप का वेबसाइट रहेगा सिंपली इसमें जाना है, ठीक है। इसमें जाने के बाद यहाँ पे देखो आपकी जो फ्री फायर आईडी है भाई उसको यहाँ पे सर्च करना है जो बैन हो चुका है, तो अपना आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद सर्च कीजिए। फिर गाइस यहाँ पे एक नोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई देखो स्क्रीन में जो नोटिस देखने को मिला है, अगर आपकी आईडी जैसे सर्च करते हो फिर आपको अगर ऐसा नोटिस देखने को मिलता है तो भाई बिल्कुल टेंशन मत करो, आपकी फ्री फायर अकाउंट्स OB40 अपडेट में 100% अनबैन हो जाएगा। तो सबसे पहले जाओ आईटी चेकिंग ऑफिशियल वेबसाइट में जाके सभी भाई लोग यहाँ पे चेक कर लो। एंड गाइस देखो आपकी जो फ्री फायर आईडी बैन हुआ है भाई, आपकी फ्री फायर अकाउंट्स यहाँ पे ऐसे बैन नहीं हुआ है, यहाँ पे आप सभी भाई लोग कोई ना कोई अबनॉर्मल एक्टिविटीज किए हैं। तो फटाफट जल्दी कमेंट में बताइए आपने कौन सा हैक, कौन सा ग्लिच वाइल या फिर हैकर के साथ गेम प्ले, ये पूरा डिटेल में मेरे को बताइए कौन सा हैक आपने यूज किया था। बेसिकली गाइस बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे जो कॉमन हैक यूज करते हैं वो तो है भाई कॉन्फिग फाइल, FF टूल्स या NS टूल्स या फिर गाइस स्किन टूल्स, या बहुत सारे भाई लोग यहाँ पे मूड मेनू यूज करते हैं जैसे कि फ्लाई हैक, कार हैक, ग्लूअल हैक, ये बहुत सारे हैक यूज करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से पहले तो क्या होता है कि ओपोनेंट एनिमी हैकर आता है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा मैच मेकिंग प्रॉब्लम देखने को मिलता है एंड गाइस आगे फ्री फायर अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड होता है। एंड भाई जैसे आप गेम को ओपन करते हो तो ये जो नोटिस है गाइस, ये पॉपअप नोटिस आप सभी को देखने को मिलता है जिनका फ्री फायर अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हो चुका है। एंड गाइस देखो ये नोटिस देखने के साथ साथ आप समझते हो कि आपकी फ्री फायर अकाउंट यहाँ पे बैन हो चुका है। भाई देखो यहाँ पे कहीं पे भी बैन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी फ्री फायर अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड हुआ है, उस दिन के लिए आप गेम नहीं खेल सकते हो, आपको पनिश करने के लिए ये किया है, ठीक है, क्योंकि आपने फ्री फायर की गेम में एबनॉर्मल एक्टिविटीज किए हो, यानी कि आपने हैक यूज किए हो। भाई देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक हेल्प करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी भी हैक यूज करते हो, कोई सा भी अगर आपने हैक यूज करते हो तो भाई ये पार्ट को स्किप मत करना, क्योंकि देखो अगर आपको फ्री फायर में हैक यूज करना है तो मैं सबसे बेस्ट हैक दूंगा। एंड भाई ये जो वीडियो है ना, वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको कैसे यूज करना है, आपकी मेन अकाउंट यहाँ पे बैन नहीं होगा, क्योंकि गाइस मैंने अक्सर यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा, ये लोग बोलते हैं कि हैक एंटी बैन है भाई, इसको मेन आईडी में यूज कीजिए, आपकी आईडी बैन नहीं होगा। तो भाई देखो यहाँ पे आप सभी का फ्री फायर अकाउंट बैन हुआ ना, आपको शायद कोई ना कोई तो बोला होगा कि ये एंटी बैन है,
तैयार नहीं होता है। इसीलिए गाइस आप सभी के लिए मैंने एक हैकिंग का वीडियो बनाया, आपको कैसे फ्री फायर में हैक यूज करना है। एंड बेसिकली गाइस ये जो हैक है सबसे बेस्ट हैक है, इसके जरिए आप ऑटो किल कर सकते हो, ऑटो फायर कर सकते हो, ऑटो स्कोप कर सकते हो एंड डायरेक्ट हेडशॉट मार सकते हो। एंड इसमें फायर भी करने का कोई जरूरत है ही नहीं, कार फ्लाई कर सकते हो, आप उड़ सकते हो, रनिंग मेडिकेट कर सकते हो, लोकेशन बोलो सब कुछ हैक यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको फ्री फायर में हैक यूज करना है तो भाई देखो आपकी जो हैकिंग का जो डाउनलोड लिंक या जो वीडियो का लिंक आपको सेकंड पिन कमेंट में मिलेगा, तो जाके चेकआउट करना एंड हैक को आराम से यूज करना, ठीक है। सो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आज आप सभी को एक ITNVM फाइल मिलेगा, ठीक है। एंड ये OB40 के अंदर 100% वर्किंग होगा। एंड ये फाइल को जो भी भाई लोग अप्लाई करेगा उनका फ्री फायर अकाउंट OB40 अपडेट में 200% गारंटी अनबैन हो जाएगा। तो भाई लोग ये फाइल को अप्लाई करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है, इसका नाम है जेट आर्काइवर, ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे आपको एक फाइल डाउनलोड करना है, ये है जीप फोल्डर में, ठीक है। एंड इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए पासवर्ड। एंड इसको कैसे डाउनलोड करना है चलिए मैं दिखाता हूँ। तो भाई लोग देखो आपको पिन कमेंट में सबसे पहला वाला लिंक मिलेगा ITNVM स्क्रिप्ट करके या ITNVM फाइल करके, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आपकी फोन की ब्राउजर के थ्रू ये पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा rustomali.yt.in, ये जो देखने को मिल रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे हमने बताया भाई आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, फिर यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो भाई लोग फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा OB40 ITNVM फाइल, तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर गाइज ये रिडीम कोड वाला एक पोस्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा नीचे। एंड गाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा OB40 ITNVM फाइल, तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड गाइज ये थर्ड पेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से ये जो देखने को मिला है भाई इसमें आपको क्लिक करना है। एंड फिर गाइस ये नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड आई एम नॉट रोबोट में क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे तीन पेज को आपको स्किप करना है। आई एम नॉट रोबोट में क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड में, इसमें आपको क्लिक करना है। तो भाई ऐसे आपको टोटली तीन पेज को फिर से स्किप करना है। तो फिर गाइस ये जीप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, बट उससे पहले मैं इसको यार डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो यार एक्सट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों का नेम जो है एक ही है। तो भाई इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिंपली एक बार यहाँ पे टैप करना है, उसके बाद एक्स्ट्रा यार देखने को मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो कि पासवर्ड है 98, ठीक है। उसके बाद ओके में क्लिक करना है एंड गाइस ये फोल्डर देखने को मिलेगा, तो सिंपली ये फोल्डर में जाना है। एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे भाई लोग फ्री फायर खेलते हैं एंड बहुत सारे भाई लोग फ्री फायर मैक्स खेलते हैं, तो चलिए गाइस मैं फ्री फायर मैक्स का फाइल को एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे फ्री फायर मैक्स में एक बार टैप करना है, मतलब ये फोल्डर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे कंपलसरी का एक फोल्डर देखने को मिलेगा। तो सिंपली इसको लॉन्ग प्रेस करना है एंड इसको यहाँ पे कॉपी करना है, फिर ये वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है एंड डिवाइस स्टोरेज में जाना है, उसके बाद गाइस एंड्रॉइड में जाना है, फिर डेटा में जाना है। एंड यहाँ पे आपको देखना है फ्री फायर मैक्स का फोल्डर कहाँ पे है, एंड ये रहा फ्री फायर का मैक्स का फोल्डर, तो सिंपली हम इसमें क्लिक कर दिया। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे फाइल्स में जाना है, फिर यहाँ पे देख सकते हो तो कंटेंट केस देखने को मिल रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। एंड गाइस ये जो कंपलसरी है ना इसको पूरा पूरी डिलीट करना है, डिलीट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। तो चलिए हमने इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एंड भाई अप्लाई ऑल फाइल में आपको क्लिक करना है एंड रिप्लेस में क्लिक करना है, ठीक है। रीनेम में मत क्लिक करना है, रिप्लेस में क्लिक करना है एंड भाई पूरी तरीके से आपकी जो ये कॉन्फ़िग फाइल है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंड बेस्ट गाइस आपको वेट करना है, OB40 अपडेट जैसे ही आएगा आपकी फ्री फायर आईडी यहाँ पे 200% गारंटी टाइमर के साथ अनबैन हो जाएगा। तो फाइनली गाइस मेरा ITNVM फाइल मतलब कि कॉन्फ़िग फाइल यहाँ पे अप्लाई हमने कर दिया। एंड अभी आपको क्या करना है, कोई सेकंड अकाउंट या गेस्ट अकाउंट अपना उसी फ्री फायर डिवाइस में, उसी फ्री फायर अकाउंट्स में लॉगिन करना है एंड कंटिन्यूअसली 2-4 दिन गेम प्ले करना है OB40 अपडेट आने तक, ठीक है। एंड जैसे ही OB40 अपडेट आ जाएगा एंड एक अपडेट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपकी फ्री फायर अकाउंट यहाँ पे अनबैन हो जाएगा, देखना भाई। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करना एंड जो भाई सबसे ज्यादा शेयर करेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका फ्री फायर आईडी यहाँ पे लूंगा एंड यहाँ पे चेक करूंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जाते जाते गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो